नमस्कार, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स के खास प्रोग्राम रियासी के कलाकार में। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा और आज हम आए हैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जिन्होंने अपना नाम सिर्फ रियासी में नहीं बल्कि रियासी के बाहर भी कमाया है। तो रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पे। थैंक यू जी, शुक्रिया जय माता दी। तो सबसे पहले तो आपके नए भजन के लिए ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े सारे फोन भी लोगों के आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स, और मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू है मैंने कभी दिया नहीं है। बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं पूरी टीम का और सभी भक्तों का, माँ के भक्तों का, जिन्होंने मेरे भजन को और मुझे इतना प्यार दिया, बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो शुरुआत आपके नए भजन की चार लाइनों से करते हैं। बख्शण हारिए बख्श लमी ऐब गुणा सब मेरे, छड़ के चुठी दुनिया दाती आन डिगा दर तेरे बावे वाली मैं। ये मेरा पहला भजन है माँ बावे वाली के दरबार में। ओ बावे वाली मैं आया तेरे द्वार, हाँ ए विजयपुरी यदि रख ली इलाज माँ, तू ता रख दी है सब दिया हिजता, बेड़ी मेरी भी तू लामी हुन पार माँ, तू ता रख दी है सब दिया हिजता, बेड़ी मेरी भी तू लामी हुन पार माँ। इस भजन की बड़ी अच्छी लाइनें जो मेरे भाई मनजीत मस्कीन जी ने, जिसको जिनको प्यार से हम लकी भैया कहते हैं, उन्होंने मेरे दिल की भावना को बड़े अच्छे तरीके से अपने कलम से लफ्जों में उतारा है कि जो 5 महीने में इस लॉकडाउन के दौरान जो मुझे ज़िंदगी ने दिया है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से मेरे भैया ने लिखा है। वो चार लाइनें, इस दुनिया विच कोई नहीं अपना ये मैनू एहसास होया, हर पल मेरे नाल तू मैया ये पक्का विश्वास होया, ए रवि करदा है तेरा गुण गान मां, ये करी कृपा तू बड़ी दयावान मां, तू ता रख दी है सब दिया इज्जतां, बेड़ी मेरी भी तू लावी हुन पार मां, तू ता रख दी है सब दिया इज्जतां, बेड़ी मेरी भी तू लावी हुन पार मां। तेरे ते मैं सुटियां डोरा तू ते जानी जानी मां, सब दे दिला दिया जान दिए तू केड़ा क्यों परेशानी मां, ये सन्नी करदा है तेरा गुण गान मां, ये करी कृपा तू बड़ी दयावान मां, जे तू सुनिया ना वर जा मेरिया मेरा उजड़ जाऊ संसार मां। जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारा भजन है आपका। ये भजन आपने किसी को डेडिकेट किया हुआ है? जी, मेरा एक बड़ा ही अच्छा मेरा भाई, मैं जिसको बड़ी इस लॉकडाउन के दौरान जो मुझे सौगात माता ने दी है, आरजे भाई एमएम ठाकुर और सन्नी उस्ताद जी कहता हूँ उनको मैं बड़े प्यार से, इनकी टीम है। लॉकडाउन के दौरान ये मेरे पास आए थे, तो किसी काम से मैंने इनको बुलाया था घर पे, तो इनका कोई काम मैंने देखा था, पसंद आया काम, तो मैंने इसको कॉल करी मैं यार मेरे पास आओ। और बीच में कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि डोगरी नहीं है, मैं डोगरा है तो मैं डोगरा ही रहना है, डोगरी मेरी माँ बोली है, मैं डोगरी ने बड़ा प्यार करना। हिंदी बोलने का हमारा रीजन ये है कि जो जिनको डोगरी समझ नहीं आती वो उनको समझ आ जाए हमारी बात। तो आरजे भाई को मैंने घर पे बुलाया, जब इनकी टीम आ गई, मैंने बोला यार आपका मेरे पास तब 3 भजन तैयार थे देवर रानी करके, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ उस माता रानी का भी और आप भक्तों का जिन्होंने देवर रानी को इतना प्यार दिया और इतने अच्छे कमेंट्स आपके और इतने प्यार, इतने फ़ोन कॉल्स आना लोगों की, मेरे लिए बड़ा ही प्राउड फील हुआ था देवरानी के दौरान। तो तब मेरे भाई आरजे भाई मेरे पास आया, तो मैं उसके साथ उसके घर पे चला गया था। तो ये मैं बात सबसे शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने घर पे इंटर करा तो वहाँ पे एक सन्नी नाम का लड़का जो मेरा भाई है, आज जितना वो उसकी फैमिली का प्यारा है वो उतना प्यार मुझे भी उससे हो गया है और मैं
बड़ी तलब रहती है कि मैं कब उसके पास जाऊँ। जब मैंने देखा तो मुझे नहीं पता था कि आरजे का भाई है, तो मैं बोला आरजे बोलते ये मेरे भाई है, ये ट्वेंथ से जुड़े भाई थे दो, तो एक शायद इस दुनिया में नहीं रहा भाई, मैं सॉरी। तो मैंने जब वो फ़ोटो देखी सेम टू सेम, मैं बोला आरजे ये फ़ोटो, बोलते ये मेरे भाई था इस दुनिया में नहीं रहा है और ये मेरा भाई है सन्नी। तो मैं उसके पास बैठ गया और बड़ी बात उस परिवार का आजकल भी मैंने यही बात भी लिखी है कि इस दुनिया में कोई नहीं अपना, ये मैंने एहसास होया। बट ऐसी भी फैमिली है और पूरे परिवार की जान बसती है उस बच्चे में सब। मैं जब मैं घर पे गया तो उन्होंने मुझे बड़ा प्यार सत्कार दिया, मम्मी पापा ने, बहन ने, नीलम भाई ने, भाभी जी ने, सब ने। तो बट फिर मुझे देख के मैं हम ऊपर रूम में चले गए, पर मैंने देखा मेरा मन नहीं ऊपर लगे, मैं एक बार फिर देख के आता हूँ उसको। तो फिर मैं जब उसके पास बैठा, मैंने उसको जब हाथ मिलाया पकड़ा, वो थोड़ा डर सा जाता है। फिर मैंने तब मेरे मन में ये था कि रवि यार मात्रा नहीं कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कम दिया है, अभी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो चीज़ मुझे इतनी वहाँ पर क्लियर कर दी मात्रा ने, बेटा देख ये भी है, इसके मन की फीलिंग क्या है, ये क्या मांगेगा। जब इंसान कुछ कर ना पाए वो कहीं ना कहीं वो वहाँ मुझे मेरे साईं के दर्शन हो गए, जिनको मैं नकोदर में हर साल कोशिश करता हूँ जाने की। तो वहाँ पे लाडी साईं जी, आपने सुना होगा लाडी साईं जी का दरबार है, मुरादशाह जी का दरबार है। तो मुझे कहीं ना कहीं उस बच्चे में वो, आप देखना, आप ध्यान से देखना, जब भी वो इंटर करता है जो वीडियो मेरा शुरू होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उस चेहरे से मैच भी करता, तो मैं बड़ा प्रभावित हो गया और कहीं ना कहीं मेरे मन में वो भावना बन गई कि मैं कुछ एक भजन करूँगा जो इस फीलिंग पे हो। और लकी बैग, थैंक यू, मैं लकी बैग करता हूँ मनजीत मस्कीन जी, जिन्होंने मेरे इस भाव को जैसे जैसे मैंने बोला और उन्होंने बड़े ही बाकमाल तरीके से उसको लिखा है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जिसका म्यूजिक हमारे पंजाब के दिनेश डीके जी ने किया है और वीडियो हमारे आरजे भाई और उनकी पूरी टीम, इनके सहयोग के बिना ये वीडियो नहीं बनना था और बहुत ही प्यार से इन लोगों ने बनाया है। उम्मीद करी थी मैंने कि इसको लोग अच्छे से सुने और लोगों ने बहुत प्यार दिया है, शायद कि मेरे इससे पहले जितने भी भजन आए हैं। ये कमेंट्स और ये लोगों को प्यार जो दुलार मुझे मिला है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, लोगों ने पूरी पूरी ज़िंदगी दे दी है, पचासों साल, पचास पचास साल दे दिए लाइफ में। बड़े सारे ऐसे हमारे जे एंड के ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी संगीत को दे दी, मैंने ज़िंदगी संगीत को नहीं दे पाया हूँ, इसका मुझे गम है। बट क्योंकि मुझे पहले कुछ घर के माहौल ऐसे थे, काम के लिए मुझे थोड़ा इंटरेस्ट कम था इसमें, तो उसके बाद माँ वैष्णो देवी दरबार में महारानी ने मुझे 15 साल रखा है और मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि विजय बाबा जी जो मेरे, जिनके पास मैं पहले काम करता था कटरा में, उन्होंने मुझे 4 साल तक माँ वैष्णो देवी दरबार की, मैं दरबार ही है मेरे लिए, माँ वैष्णो देवी दरबार की मुझे पूजा अर्चना पूरा सेवा करने का, माता का श्रृंगार करने का, माता के चोले चेंज करने का वो मुझे अवसर दिया और मैं उनको कभी भूल नहीं पाऊंगा। और टर्निंग पॉइंट वो हैं जिन्होंने मेरे मन में माता रानी के प्रति जो लगन मेरी लगाई है। तो बस चल रहा है ज़िंदगी का सफर, बहुत शुक्रिया सबका और पूरी टीम का। तो हमने ये भी सुना है कि इस भजन की शूटिंग जो है वो रियासी में हुई है, तो क्या आप बताएंगे कि किन किन जगहों पर इस भजन की शूटिंग की गई है? अच्छा सवाल है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। हम लोग बाहर जाते थे, वीडियो करते थे, लोग बोलते थे क्या बात है बहुत बढ़िया। बट वो जो चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, मैं सबको बता दूं, जो चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो लोकेशन है, जो जगह हैं, इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं, इनको छोड़ के हम बाहर बड़ी देर भड़के हैं। बट अब हमें अपने एरिए की, अपनी रियासी डिस्ट्रिक्ट की सुंदरता का जो पावर है, जो जो सुंदरता की जो पहचान हमें हो गई है जगह जगह, हम पहले तो हम नहीं गए थे, ये सारा क्रेडिट ARJ प्रोडक्शन को और मेरे भाई RJ MM ठाकुर सनी को जाता है। और आप ऊपर चले जाओ दगन टाप वाली साइड,
चनका वाली साइड क्या व्यू मिलते हैं, लोग बोलते हैं यार अभी कहाँ आपने बनाया, मैं बोला ये मेरे अपने गांव में बनाया, तो मुझे बड़ा बोलते हैं आपके गांव में इतनी अच्छी जगह, मैं बोला यार बड़ा प्राउड फील होता है। तो अरे मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, इसकी शूटिंग हमने एक तो सलाल वाली साइड की है, तो उसके बाद मैक्सिमम रियासी में आरजे के घर पर हुई है, तो ये थोड़ा बहुत इक्रोमा शूट हुआ है इसका, मैक्सिमम हम बाहर कहीं नहीं गए। तो बोल रहे थे इस भजन की डिमांड जो थी कि हमारे डायरेक्टर साहब की पूरी मन था कि ये भजन मैंने 3 महीने हो गए इनको दिए हुए, बड़ा लेट किया वैसे इन्होंने, तो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर के मन में था कि हम ये शूट भैया बावे में करेंगे दरबार, तो लॉकडाउन के चलते हम वहाँ नहीं कर पाए और ना ही, बड़ा थोड़ा लेट हो गया था, हमें ये भी आइडिया नहीं था कि अब खुलेगा कब, खुलेगा कब नहीं खुलेगा। तो उसके बाद जब वीडियो बना लिया हमने, तो 16 तारीख को अनाउंस हो गया कि दरबार खुल रहे हैं, तो बाकी मुझे कमी तो नहीं लगी वीडियो में, क्योंकि अपने काम की तो ऐसे भी नहीं लगती, वैसे मैं वो मेरा अपना काम नहीं, ये मेरे पूरी टीम का काम है, तो इनका इन्होंने कमी माँ बाबे वाली दरबार की मुझे कमी लगने नहीं दी। एक रोमा छोड़ करके कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को मैं जो झूठी तारीफ करते हैं हाँ भाई बहुत अच्छा है ठीक है, जो गलती बताते हैं वो उसको मैं अपना सच्चा मित्र मानता हूँ। बहुत सारे मेरे भाइयों ने कमेंट किया था भैया इक्रोमा थोड़ा शूट थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है, मैंने उनको बोला भाई अभी हम सीख रहे हैं, हम कंप्लीट नहीं हुए हैं, जब इंसान कंप्लीट हो गया सीख लिया तो फिर बचा कुछ नहीं, तो अभी हमारी टीम सीख रही है, तो आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम कोशिश करेंगे तो आगे अच्छा करेंगे। तो अब बात करते हैं आपके घर परिवार के बारे में, तो जनता ये भी जानना चाहती है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। सबसे पहले तो सबको पता है रवि राजू विजयपुरिया ब्रदर्स करके हमारी पहचान है, मैं और मेरा भाई, मम्मी पापा और मेरी वाइफ और मेरी भाभी जी, भैया के 2 बेटे हैं जो अभी भैया से भी थोड़े लंबे हो गए हैं, तो मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो मैंने शुरू में ही माता रानी से बोलता था देखो माँ भगवती कैसे कैसे इंसान के आगे वो जैसा इंसान तोलती है, मैं बोलता था कि नहीं माता रानी मेरे घर में बेटी होनी चाहिए, उसने 1 बेटी दी हाँ ठीक है माता रानी आ गई, 2 बेटी दी ठीक है माता रानी, 3 बेटी दी माता रानी आ गई, भाई कहीं ना कहीं ये नहीं है बेटियों से प्यार नहीं करते, बहुत मान जितना प्यार बेटियां करती हैं शायद के बेटे करते हैं बट नहीं कर पाएंगे, वो जो पीड़ा है जो माँ बाप की वो एक बेटी समझती है, तो बस एक डर सा रहता है बेटियों के लिए मन में माँ बाप के कि बेटी थोड़ा, मैं आप भी एक बेटी हो मैं सल्यूट करता हूँ, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को कि आपने एक अच्छा और इतना बढ़िया प्रोफेशनल चुना। मेरी फैमिली में बस हम 12 लोग हैं और 25 साल हो गए मेरे भाई की शादी को, 25 साल होने वाले हैं अभी, उनका एक बार फिर से शादी कराने वाले हैं विजयपुरी साहब की, तो उसके बाद 10-11 साल मेरे शादी को हो गए, तो बड़ा अच्छा है लोगों का प्यार, हम बाकी हम ऐसे रह भी सकते हैं आगे पीछे कहीं, बट हम दोनों भाइयों की एक मिसाल दी है लोगों ने हमारे गाँव ने कि यार आप बड़ा अच्छे हो, आप लोग 1 साल तक इकट्ठा नहीं रहते शादी के बाद, आप 25 साल हो गए आपके, ऐसा दृढ़ निश्चय हो अगर कोई कि हम एक साथ रहेंगे और प्यार से हम रह पाएंगे, अगर कोई सोचे नहीं यार इसने मुझे ऐसा बोल दिया मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो छोटी छोटी बातें होती हैं अगर फैमिली की, हर एक फैमिली में होती है, वो उन चीज़ों का त्याग उसको माइंड नहीं करना पड़ता, तो फैमिली मेम्बर का ये है कि जैसे सुबह कोई उठता है, कोई जरूरी नहीं लेडीज ही काम करेगी, हम अभी 3 बैठे हैं घर में, तो जरूरी नहीं है कि लेडीज ही काम करेगी, वही रोटी बनाएगी वही झाड़ू पोछा करेगी, इसलिए नहीं, वो अपना घर छोड़ के आई है, अगर हम लोगों के लिए अपना पूरा संसार छोड़ के आई है, हमारा भी फर्ज बनता है, मेरा नहीं सबका, कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उसकी हेल्प हो, तो उसको लगता है कि नहीं मेरा अपनापन है, तो ऐसा ही हमारा फैमिली का है, पापा जी अपने जो उनको नाकाम नज़र आता है, अभी मेरे पापा जी की 92 ईयर एज होगी, वो अपना काम जो है वो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो होता है
वाइफ का जो मुझे मिले मैं कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत बच्चों में बच्चे मिले, बच्चों का जैसे है कि वो बच्चों को बहुत संस्कार देने पड़ते हैं। जैसे बच्चे हमारे सुबह उठते हैं, एक दो बेटियाँ हमारी यहाँ उठती नहीं है, पर लड़के हम जल्दी उठा देते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं वो, और नहा धो के अपने सैर शुरू करके तो झाड़ू पोछा कर देते हैं। मम्मी को इतने भी कितनी हेल्प होती है, कोई तो ये नहीं है कि यहाँ लेडीज ही करेगी तब होगा, नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। कहीं ना कहीं तब जाकर के कंबाइन परिवार चलता है, और बड़ी खुशी होती है जब बहुत सारे कमेंट मुझे आया था कि आप जैसे धन्य हैं वो। कल मुझे एक कॉल आई थी कि धन्य हैं वो माँ बाप जिन्होंने आप जैसे बेटों को जन्म दिया। तो मैं विश्वास करना कि मैं बड़ा मैंने प्राउड फील किया, और मैं मेरा मन भर आया कि नहीं चलो यार इससे बढ़कर, और हमारे डोगरी में और हमारे एक बड़े अच्छे मेरे यार दोस्त बोलते हैं कि इन्ने गहने पाके मर भी जाऊँ ता भी गम नहीं है। जी बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आजकल सोसाइटी में जो है एक डिफरेंस देखने को मिलता है, जब आपने कहा कि आपकी फैमिली में वो सब चीज़ें नहीं होती हैं तो आप एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। जी बहुत अच्छी बात है। अब अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको ये लगा कि आपको मतलब सिंगर बनना है, या वो गायकी का टैलेंट आपके अंदर है? वो पूजा जी आज तक अभी तक मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं सिंगर हूँ, क्योंकि सिंगर एक कलाकार होने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी तप करना पड़ता है। उन लोगों को पूछो जो बेचारे जिन्होंने पूरी जिंदगी इस संगीत को दे दी है, पर आज भी उनका तप का वो जो हासिल होना चाहिए था उनको नहीं हुआ है। मैं फॉर एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, उधमपुर से हमारे बड़े अच्छे, मैं तो बड़ा गुणी मानता हूँ उनको, अरुण भैया जी, वो उन्होंने उनको इतनी इतनी नॉलेज है, उन्होंने पूरी जिंदगी ही संगीत को दे दी है। ऐसे लोग महान लोग जम्मू में सूर्य सिंह जी हैं, उस्ताद सूर्य सिंह जी, जिनका जम्मू में क्या, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में कोई सानी नहीं है। बस मुझे तो बस ऐसे ही लोगों ने बना दिया, आप लोगों ने मुझे बना दिया, बाकी मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैं कलाकार हूँ, ना ही मैं कहीं सीखने का टाइम नहीं मिला। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि शादी तक मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं सिंगर बनूँगा, कि लोग मुझे इतना प्यार देंगे। वो एक बड़े भैया गाते थे, वो बचपन से गा रहे हैं, और बट मैंने उनको देखे ये सोचा नहीं था तब कि मैं एक सिंगर बनूंगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन कुछ और था, मैं काम के बिजनेस के चक्कर में था कि मैं अच्छा कोई बिजनेस करूंगा, तब घर के हालात ऐसे थे तो कहीं ना कहीं पैसे आने का सोर्स बन जाए, तो तब इतना स्कोप नहीं था इसमें सिंगिंग में, तब इतना नहीं था कि, तो बस चलता रहा। शादी के बाद मेरे साथ एक बड़ा ही जिसकी वजह से आज मैं इस लाइन में हूँ, मैं कटरा में मेरी शॉप थी, वहाँ पे हम दोनों भाई काम करते थे, एक लड़का वहाँ पे नीचे, मेरा भाई बड़ा, मैं बड़ा प्यार करता हूँ उसको, उसका मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, सोनू रायपुरिया मेरा पहला राइटर जिसने मुझे कुछ लिख के दिया, वो मेरे पास आया, कहता है भैया मैंने ऐसे ऐसे भजन लिखे हैं तो आप राजू भैया से गवा दो। तब राजू भैया की एक नई एल्बम आई थी जिसके भजन कुछ एक मैंने लिखे थे, हम दोनों ने मिल के लिखे थे, राजू भैया को बोलो कि ये भजन मेरे भी गवा दो। तो मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ बात। तो जब वो लेके आया बेचारा, तो तब शायद प्रोजेक्ट राजू भैया का दूसरा चल रहा था, तो बोलते कोई बात नहीं हम देखेंगे इसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो मैंने सोचा कि शायद ये बंदा बेचारा ऐसा बुरा ना माने कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया या मेरा भजन गाया नहीं, तो मैंने उसका वो लेके ना वो डायरी लेके मैं खुद गाना शुरू हो गया। बोलते भैया आप बड़ा अच्छा गाते हो, मैंने बोला ना यार मैं नहीं गाता हूँ, मैं नहीं हूँ। बोलते भैया आप भी बड़ा अच्छा गाते हो, मैं चलो यार ठीक है अच्छा गाता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ लगी यार मैं भी अच्छा गाता हूँ। तो मेरे बड़े अजीज तीसरी कंपनी में जो जॉब करते थे, पंकज भैया दिल्ली वाले, और उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। सुनील दुग्गल जी हैं जो जम्मू से, उन्होंने आकर के मुझे मेरे साथ बात करी, भाई मैंने उनको एक ट्रैक सुनाया कि भाई ये मुझे लिख के दिया है सोनू रायपुरिया ने, मुझे लिख के दिया तो ये वाला बताओ मैं गाऊंगा तो ये चलेगा आपका? बोलते रवि बहुत अच्छा है तो इसको करो आप। तो बस पता नहीं लगा, गए हम रिकॉर्डिंग करी पहली बार जनाब सुरेंद्र मनाज सिंह जी ने, सुरेंद्र सिंह मनाज जी जो हमारे
आज अगर डोगरी की बात की जाए तो पहला उनका नाम आता है डोगरी में, उन्होंने बड़ा, जैसे गुलाम मोहम्मद जी हो गए, सुंदर मनाह जी, जिन्होंने डोगरी को एक पकड़ के रखा कि और छोड़ा नहीं, उसका पल्ला छोड़ा नहीं। कई बार ऐसा होता है कलाकार डोगरी गाता उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो वो पंजाबी वाली साइड चला जाता है या हिंदी वाली साइड चला जाता है, पर सुंदर मनाह जी ऐसे हैं कि जिन्होंने डोगरी को पकड़ के रखा उस टाइम जो जब का मैं उस लाइन में हूँ। उसके बाद सुरेश कुमार जी हैं हमारे, और डोगरी में आज उनका बड़ा अच्छा, उन्होंने माँ डोगरी की सेवा करी है। तो माँ डोगरी की सेवा भाई इं होती है, गाई है लोगों सुनाई है, इं होती है। डोगरी एक हमारी भाषा है। अब आप मुंबई से, मुंबई पे या दिल्ली से या कोई बाहर से लोग, उनको डोगरी समझ तो नहीं आएगी। डोगरी उनको समझ तब आएगी जब वो हमारे बीच रहेंगे, तब हम उनको सिखाएंगे। मेरे साथ बहुत सारे कलकत्ता के मेरे फ्रेंड काम करते थे कटरा में, जिन्होंने डोगरी बोल बोल के हमने उनको सिखा दी डोगरी, आज भी वो डोगरी में बात करते। डोगरी में एक गीत साड़ा अपना भाडरे च कुट लगे, हाँ जी भाडरे च कुट लगे, नया कुट लगे, अलग कुट लगे था, हाँ जी। वो डोगरी की सेवा कलाकार बड़े चाव करने करते, अस भी करने हैं, वो सारे कलाकार, में नहीं कला नहीं, सारे कलाकार जिहड़े साढ़े जिंदे डोगरे दा खून है वो डोगरी को प्रमोट करते। हाँ भाई जिहड़े कमेंट करते तुस भाई, हाँ भैया जी डोगरी को प्रमोट नहीं करो, भाई तुस तो डोगरी के लिखो, हाँ भाई तुस इ'यां नहीं बोलो, इ'यां वो एक मुद्दा नहीं है वो आप, हाँ अगर किसी की किसी के प्रति कोई जेलसी है या कोई, अब देखो कितना कुछ हो गया, माता ने उस परमात्मा ने सब कुछ दिखा दिया, जहाँ पे सच दिखा दिया भाई क्या है, फिर भी अगर इस ये चीज़ देखने के बाद बावजूद भी हमें किसी के प्रति ईर्ष्या जलसी या वो आगे बढ़ गया मैं पीछे रह गया, वो नहीं होना चाहिए। या कोई किसी को लोग चाहते हैं, जैसे आरजे का आज बहुत नाम चल रहा है, आरजे का बहुत नाम चल रहा है, इनकी टीम का बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ ये जब देवरानी हमने करा था तो ये मुझे बोलते थे भैया थैंक यू भैया आपने मुझे आपने अपना विश्वास किया। मैंने विश्वास इन पे थोड़ी किया, इनके काम पे किया, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि एक दिन डोगरी चाखा है धमाका पाई देंगे मुड़े, अधिकार बहुत बधाई हैं नहीं कि सारे। तो जब आपने सिंगिंग शुरू की तब आपकी क्या उम्र रही होगी? शादी के बाद लगा लो फिर आप 30 साल तो हो गई थी, जब मेरी पहली बेटी मेरे घर पे हुई थी उसी दिन मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो मेरी वाइफ मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, मेरी वाइफ थोड़ी गुस्सा हो गई थी कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, फिर मैंने बोला था अगर तू बोलती है मैं नहीं जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ की मेरे साथ बड़ी सपोर्ट रही है, उसने बड़ा मुझे सपोर्ट किया है, नहीं नहीं आप जाओ। तो 30-31 साल की थी तब मेरा पहली एल्बम आई थी, मेरे सोनू राय प्रिया ने लिखा था। ओ चलो शेरां वाली के द्वार माँ के भगतो, उसमें क्या है एक यात्रा बताई हुई है कटरा से कि माता के एक एक जगह का वर्णन किया हुआ बड़े अच्छे तरीके से उसने लिखा था। चलो शेरां वाली के द्वार माँ के भगतो, चलो शेरां वाली के द्वार, अब यात्रा खुल गई है आप लोग भी चलो। ओ चलो शेरां वाली के द्वार, ओ जम्मू से है कुछ दूर कटरा शहर जहां भगतों की लगी है कतार रे, भगतों की लगी है कतार रे, भगतों की लगी है कतार रे, वो भगतो चलो शेरां वाली के द्वार। ये मेरा पहला बयान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रवि जी क्या आपने कभी सोचा था कि आप ये मुकाम हासिल करेंगे, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके परिवार का और माता पिता का क्या सहयोग रहा है? सबसे पहले तो सहयोग मेरे मम्मी पापा का, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, और दूसरी जो मेन पावर जिसको कहते हैं कि एक पिलर प्लेटफॉर्म, वो मेरे भाई गाते थे, उनके वो उनका शोई वगैरह होते थे, बस उनका कहीं ना कहीं मुझे बड़ी सपोर्ट थी। और तब जा कर के शायद अगर राजू विजयपुरिया की सपोर्ट मुझे नहीं होती, मेरे भाई की सपोर्ट नहीं होती, शायद मैं इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पाता, तो ना ही मैं इस लाइन में आता। मुझे कहीं ना कहीं जब उसने मुझे एक दो जागरण में लेके जाना, भाई चल एक भजन तू भी गा, तो पहले थोड़ा डर लगता था, गाते 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 जब देखा कि लोगों का बड़ा प्यार मिलता तो मैंने सोचा सारे मजे तो यहाँ, यार लोग इतना प्यार देते हैं, पैसे भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे भाइयों का, बड़े भाई ओम प्रकाश जी का जिन्होंने हमेशा मेरे काम को सराहा है, और मेरे दोस्तों का,
उन दोस्तों का जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर एक नाम लूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा अकेले का कुछ नहीं है, सब मेरे दोस्तों का है, सब दुनिया का है, सब माँ के भक्तों का है, सब जनता का है, मेरा कुछ नहीं है। आप लोगों ने रवि को बनाया है, बहुत सारे दोस्तों ने जिन्होंने मेरे काम को सराहा। कई बार तो मैं थोड़ा सोचता था कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला या किसी भजन में या कहीं किसी जागरण में, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा डर सा जाता था कि भाई नहीं। तब वो मेरे यार दोस्त, वो मेरे प्यारे जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, मैं उनको भी कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो और स्पेशल थैंक्स मैं लकी भैया का करता हूँ, जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मेरे हर भजन को बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया है। मेरा पहला भजन उनके पास आया था बाबा जीतो जी का, तो मेरे उस्ताद जी श्री परमजीत टेडू जी ने, उनके साथ मेरा ड्यूट हुआ था। और कहीं ना कहीं लकी भैया का बहुत बड़ा साथ है और उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, उनकी पूरी फैमिली का, भाभी जी का, बच्चों का। तो बड़ा अच्छा वो उन्होंने मुझे ट्रीट किया इस लाइन में, और उन्होंने सच्चाई बताई कि बेटा इसमें ऐसे नहीं, ऐसे चल रहे हैं। मैं वैसे चला हूँ तो महामाई की कृपा चल रही है, बहुत सारा प्यार लोगों का मिल रहा है, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही मिलता रहेगा। तो बाकी कट रही है जी। तो बाकी जगहों के कंपैरिजन में रियासी को हम एक बहुत छोटी सी जगह मानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से होने की वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा चुनौतियों का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं ये बोलता कि मैं रियासी से हूँ या मुझे किसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी, अब हम ये इसको छोटा बोलना छोड़ ही दें, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है बहुत ही बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें बहुत सारे इलाके हैं, और जिसमें अब ये बोलना बड़ा ठीक नहीं होगा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट से, रियासी डिस्ट्रिक्ट में कोई आप ऐसा मत समझें कि भाई इसमें जहाँ कोई टैलेंट नहीं है, जहाँ कोई किसी भी तरह से पीछे है, पीछे नहीं है। बस ये कि रियासी के लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपने काम में मस्त, कहीं ना कहीं यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। हाँ, ये बात, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बहुत बढ़िया बात आपने कही। प्लेटफॉर्म क्या है, जहाँ पे टैलेंट की जो है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टैलेंट को पहचानते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, और रियासी करती है बहुत प्यार। मैं रियासी का भी मैं बेटा हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगा कि रियासी के लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं कल ही बाज़ार से गया था, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सभी का, हमारे बल्ला भैया का, कितने लोगों ने मुझे बोला यार रवि भैया आओ आओ प्लीज़, क्यों, उनकी चाहत, उनका प्यार, बेटा यार तेरे भजन बहुत अच्छा, तूने ये भजन आया बड़ा अच्छा। राखी भैया जी माता के बड़े अच्छे, हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में बड़े अच्छे उनका सैलून है जहाँ पे, राखी भैया जी और माता के बड़े प्यारे लाल हैं वो, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, और उनकी दुकान, मैं कहीं पर बैठता नहीं हूँ कहीं पर भी बैठता नहीं, पर उनके पास पता नहीं क्यों उनका वो प्यार खींच के ले आता है, तो चाय पीने के बिना हम निकलते नहीं वहाँ से। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों का, सभी का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इस काबिल बनाया कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो लॉकडाउन से पहले आपका क्या शेड्यूल रहता था, और अब लॉकडाउन में क्या क्या चेंजेस आए हैं? सारे शेड्यूल जो डोगरी चाहिए हैं, सारे शेड्यूल जो खराब हुए थे। अच्छा। पहले जो शेड्यूल था सारा कि महीने के 20 दिन असें जगराते करने, उसके बाद 10 दिन बच्चियों के रेस्ट करने, सोना बच्चियों कन्ने, मौज मस्ती, घूमना फिरना। शेड्यूल हमारा ये था कि 5 बजे हमने अपना घर छोड़ देना, हम दोनों भाइयों ने, 7 बजे तक हम जम्मू पहुंच जाते थे, कहीं बीच में कटरा रुक के किसी अपने दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ मिलने में, 7 बजे हम जम्मू, पूरी रात वहां पे जागरण, एक जागरण गांधीनगर में हो रहा है, एक शास्त्री नगर में हो रहा है, एक तालाब जिलों में हो रहा है, तो वो करके हम 4-5 बजे फ्री हो जाते, 5 बजे वहां से निकले, 7 बजे हम घर पे आ करके बच्चों को उठा करके स्कूल छोड़ के अपने आराम से हम सो जाते थे, और 2 बजे उठ जाते थे, बच्चों को लेने स्कूल जाना पड़ता था। अब ऐसा है कि अब ये नहीं पता चल रहा है कि 2 कब बज रहे हैं, तारीख कौन सी है, बार कौन सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप भी बच्चों के साथ स्कूल जाते हैं, जैसे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो माँ बाप की ड्यूटी और टाइम टेबल वैसा बन जाता है। तो अभी
सारा खराब हो बच्चों, उम्मीद करने की चंगा हो बड़ी जल्दी। तो क्या आपके बच्चे भी आपके रियाज में शामिल होते हैं? बिल्कुल 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 जी। शिंदा जी मेरा बेटा एरिक, और जिसका उसको बड़ा शौक है, और मेरी भी बड़ी तमन्ना है कि वो मेरा बेटा सिंगर बने। और सिंगर बनना कलाकार क्यों, मैं ये नहीं, सबके मन में होता है कि मेरा बेटा ऑफिसर बने, मेरा बेटा कुछ करे, अच्छी पोस्ट पे जाए। पर मेरे एक भाई हैं राजू कुंडल जी, मेरे बेटे को बोलते हैं जी सुदामा है, क्योंकि उसकी बेचारा उसकी भावना और जो उसकी जो दिल की भाव जो मैं पढ़ता हूँ, उसकी फीलिंग जो पढ़ता हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरा एक भजन था तांग पाड़ रहे थे उसमें कि बड़ा थोड़ा मेरा बड़ा मैक्सिमम यही होता है कि मेरा मैक्सिमम भजन जो है वो कहीं ना कहीं दिल को छूने वाला क्यों होता है, क्योंकि उसमें मेरी फीलिंग होती है। वो तांग पाड़ रहे थे, देख रहा था, तो देखते देखते वो रोने शुरू हो गया। तब मुझे ऐसा बोलते पापा, मैं क्या हुआ, बोलता है मैंने मम्मा पास जाऊँ। तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा बच्चा इसमें वो फीलिंग है, और मैं उम्मीद करूँगा, विश्वास है मुझे कि मैं उसको, मैं जो कमियाँ मेरे मुझ में रही हैं, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, जो आपकी बात पे आता हूँ, रियासी डिस्ट्रिक्ट में प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे आप, वो टैलेंट वो चीज़ें, अगर जहाँ पे कोई देखो अच्छा कुछ सिखाने वाले नहीं, जैसे जो चीज़ें हम मैंने देखी, अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं धीरे धीरे। हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के कलाकारों ने बड़ा अच्छा नाम किया है, अंजुषा शर्मा, चमन लहरी जी, और सिंह गुरजीत मेरा भाई, वो सोनू सुरेंद्र सिंह चारक जी, इन्होंने बहुत सारा मेहनत करी है, पढ़ाई करी, डिग्रियां करी हैं म्यूज़िक की। तो मैं इनसे भी अपील करूंगा कि ये अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी ज़रूर बच्चों को सिखाएं और इनको आगे लेके आएँ। जो कमियाँ थी वो अब हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में पूरी होने लगी। तो लॉकडाउन और कोविड का सिंगर्स पे क्या असर हुआ है, या सिंगर्स की जिंदगी किस तरह से प्रभावित हुई है? हम कहते हैं ना कि भाई वही बात आ गई उसी भजन पे कि इंसान तो कभी भी खुश नहीं हो पाएगा उसकी, क्योंकि उसकी इच्छा खत्म होती नहीं। एक मिलता है तो वो भी टाइम था, साइकिल के लिए रोता था, पापा मुझे साइकिल चाहिए, तो बड़ी मुश्किल से साइकिल मिल जाता था, बोलते आज हम गाड़ियों में घूमते हैं, पर बट वो सुकून जो साइकिल वाला सुकून आज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बाकी ये है कि इंसान को जिस हाल में रखे परमात्मा। अगर कोविड-19 की बात करूँ तो ये सिर्फ सिंगर्स के लिए नहीं जी, मैं ये नहीं बोलूँगा सिंगर ही इसमें परेशान, पूरा देश इसमें परेशान है। दुकानदार से लेकर के जो भी बिजनेस करते थे, दुकानदार से लेकर ड्राइवर तक, गाड़ियां नहीं चल रही, 4-4, 5-5 महीने हो गए उनको घर बैठे हुए, उनकी बड़ी बुरी हालत हो गई है सबकी। बस चलो, एक उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद करते हैं कि हम ये सब ठीक हो जाए, और धीरे धीरे माता नहीं करें, मैं माता रानी से अरदास करूँगा, आप लोग भी करें, कि क्योंकि मैंने बहुत बार सुना कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो शायद कहीं ना कहीं हम इंसानों की ही कोई त्रुटि रह गई हो उसकी आराधना में, या कुछ हमारे पाप हमारे कर्म, क्योंकि ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि। हमारे एक डोगरी जी कहावत सुनाएंगे, साढ़े डोगरे बुजुर्ग आखते कि जी अस तुस बाड़ी या कणक रहते हो, तुम कणक मिलनी है, मक्का नहीं जी मिलनी है। ये कर्म भूमि है, जैसा बीज बोओगे उसको काटना पड़ेगा, जैसा आप कुदरत को दोगे वैसा ही हमें कुदरत देगी। तो एक मेरा भजन आया था इसमें लॉकडाउन के दौरान, ये भी ये हमारे जनाब सौरभ बाली जी जिन्होंने प्रोड्यूस किया था, तो इसमें उसका थोड़ा हालात थे पूरे की, उसमें इंसान बोल रहा है कि गुनाहगार हम तेरे गुनाहगार हैं, तो मतलब हमें माफ़ करो, तो सब कुछ अच्छा करो। तो मेरी लाइफ पे कोई ज़्यादा असर तो है ही है, बट ये नहीं बोले नहीं अब मैं मर गया, मैं दुखी हो गया, फलाना नहीं का वो वाला नहीं, क्या हुआ जे नहीं चलेगा तो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जिम्मेदार लोग हैं, अस खेती बाड़ी करिए, दाल फुल का ये बड़ा मस्त हैं, ये नहीं है कि लखा करोड़ चाहिए। हाँ ये है कि माता रानी असी इन्ना दें कि घर जाचे, साढ़े बच्चे जेडे गेटे बेट करते पापा क्या लाया,
कुछ लिफाफे जी कुछ टाफी टिक्की पाई है नहीं दे सकते इन्ना कोई ज्यादा बड़े खाब नहीं कोई जा कोई ज्यादा नहीं तो माता रानी जल्दी अच्छा करेगी हमें मुझे तो पूरी उम्मीद है तो आप भी उम्मीद लगाएं और माता रानी से अरदास लगाएं कि सब ठीक हो जाए। तो एक साल से ज्यादा होने को आया है और जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बंद है तो इस आपको क्या लगता है कि अपनी वीडियोस को शेयर और प्रमोट करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? बिल्कुल ये बड़ी मुद्दे की बात है 4G की। एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो 4G का मसला है जब 4G मैंने तो फोन ही बड़ी देर के बाद लिया सिम ली नहीं क्योंकि हमारे पास दूसरा 2G फोन चलता था हम उसी में मस्त थे क्योंकि सारा काम जो है बच्चों की ऑनलाइन पर पढ़ाई हो रही है बच्चों का सारा सिस्टम जो है वो फोन पे हो गया। मेरी बेटी बोलती है पापा वो क्या बोलते हैं उसको वो घर पे लगा दो जिसे वाईफाई लगा दो उधमपुर में चल गया है तो शायद जहाँ भी चल पड़े। आज की जनरेशन के पास सोशल मीडिया एक बहुत ही एडवांस साधन है जो शायद आपकी शुरुआत के समय में इतना इस्तेमाल नहीं होता था तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आज के कलाकारों को आज के जो न्यू जनरेशन को बच्चों को जो बता एक बात क्लियर कर दूं जब हमारा टाइम था हमारा टाइम आपका टाइम तो बड़ा आसान हो गया हमारा टाइम था रिश्तेदारों से पैसे पकड़ने भैया मुझे 5,000 दे दो 10,000 दे दो 20,000 दे दो मैं आपको कैसे कैसे करके वापस दे दूँगा वो 20,000 या 25,000 या 30,000 किसी से इंटरेस्ट में पकड़ के फिर जा कर के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करनी फिर जा कर के उसकी वीडियो बनानी फिर कंपनी को देनी मारे हमारा रिलीज कर दो वो भी कंपनी की मर्जी है वो करेगी कि नहीं करेगी अच्छा लगेगी तो करेगी नहीं नहीं तो नहीं करेगी तो तब बड़ा मुश्किल था। हम उस दौर से आए हैं उस दौर से निकल करके आए हैं जब कैसेटें बिकती थी तब मुझे पता है हमारी पहली कैसेट प्यारी प्यारी लगी शेर देश राजू भैया की आई थी बड़े हमने खुशी बनाई थी मेरी लाइफ का जो सबसे खुशी का मैं अगर कोई पूछे कोई सबसे खुशी वाला दिन कौन सा है वो था 28 जून 2008 जब मेरे भाई की कैसेट आई थी प्यारी प्यारी लगी शेर देश। तो तब का बड़ा मुश्किल था वीडियो बनाना कि कैमरे वाला आएगा बनेगा तब ये सोर्स नहीं था। आज जिसमें टैलेंट है ना आप परमात्मा ने दिया है परमात्मा ने दिया है तब जिसके पास पैसा होता था तब लगा करके आ जाता था बाहर या किसी से जुगाड़ करके आ जाता था। आज मोबाइल पकड़ा जिसमें टैलेंट है वो दिखाओ दुनिया में छा जाओ ये है एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका न्यू जनरेशन को और ऐसे कलाकारों को बहुत ही फायदा मिला है जो बेचारे कहीं ना कहीं दबके रहे। गीत मैंने डेडिकेट किए थे मोदी जी को ओ जे सपूत है भारत का इस पर हमको अभिमान है जे सपूत है भारत का जे सपूत है भारत का इसको हमको अभिमान है फौलाद का जज्बा रखता जो मेरे भारत की निशान है एक तरफ है मोदी ओ एक तरफ है मोदी एक तरफ है मोदी मोदी के कितने विरोधी देश की चिंता नहीं किसी को सब कुर्सी के लोभी। बट मैं कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा फैन हूँ नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी का उनके जैसा भी कोई नहीं आना उनके जैसा अभी कोई जो जो फैसले उन्होंने लिए हैं जो जो फैसले लिए हैं मैं ये नहीं बोलता कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं वो बाद में पता चलेगा वो कैसे हैं अभी उनका असर होना है। तो बड़ा ही उन्होंने अपने देश को बचाने की और देश की सेवा करी है तो उम्मीद करता हूँ कि माता रानी से कि मोदी जी जैसा भी देश का भला करना चाहें वो कर सकें उनकी रुकावटें ना आए उनको करने दें सब सपोर्ट करें। जय माता रानी। आपका गाया हुआ भजन मेरा पर्सनल फेवरेट और मेरी फैमिली को बहुत पसंद है अगर आप उसकी चार लाइनें गा के सुना चंडी माता भर चंडी माता भर ये आपका ही नहीं सबके दिल के करीब क्योंकि इसमें सबकी भावना जुड़ी हुई और ये जड़ा भजन है मेरी जिंदगी में बड़ा जुड़े है मैं सुनाई नहीं सकता कि यदि एक भी बोल जड़ा है कि अज धोड़ी मेरे जिन्ने भी भजन जां डोगरी मैक्सिमम डोगरी गै डोगरी च कोई भजन होगा जेड़ा मेरे दिल के करीब नहीं होगा जेड़ा मी जिंदगी ने जो मी सिखाया है जो मी दिता है
ते उगे में अपना दुख दर्द लोकें सनाया है, ते बड़ा अच्छा लोकें रिस्पांस दिता है और प्यार दिता है वो भजन मेरा। और इस भजन च बड़े सारे लोग जिन्हें मी बड़ा प्यार दिता और बड़ा ही सपोर्ट किया। इस भजन के प्रोड्यूसर जनाब नरेंद्र गुप्ता जी, उनको काका भी बोलते हैं हम, नरेंद्र मेडिकेट तो और बल्लू भी है उनके साथ, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है मुझे उस टाइम। तो कुछ बोल हैं जो उन सब भाइयों ने मुझे मिलके दिए हैं और बड़े मेरे अजीज जिनको मैं एक गुरु का दर्जा देता हूँ, बड़े भाई का दर्जा देता हूँ, मैं जनाब वकील सिंह जी, जिन्होंने मुझे बड़ा अच्छा इसमें हर एक भजन में वो मैक्सिमम मेरे भजन में भजन वही कराते हैं। या वैसे कुछ लोग थे आखा थे भाई लॉकडाउन में आपको क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप लोगों के भजन आ रहे हैं, आपके पैसे तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसमें बात चल रही थी। तो मैं उनको सबको क्लियर कर दूँ कि मेरे जितने भी भजन आते हैं मैक्सिमम भाई मेरे पास इतना पैसा है भी नहीं, तो थोड़ा बहुत होता है जो मैं लगा देता हूँ। बाकी ये जितने भी भजन आप देखते हो ये सब मेरे भाइयों के माँ के भक्तों के हैं, मेरे नहीं हैं। ये मैंने ये जो मेरा अभी नया भजन आया जो मेरे भतीजे ने अजय कुमार ने प्रोड्यूस किया है, इससे पहले जो हमारा ऐसे दस कदम होना से तेरे द्वार ताती है ये सारे सौरभ वाली जी ने प्रोड्यूस किया है, देवा रानी वकील सिंह जी हूँ सारे भाई मैं अपने को मेरे कोई नहीं, बाकी सब मिली है माँ के भक्त जी कर। आओ आखिरी गल वो चंडी माता पर दे चोली उगे पर दी और नहीं पर दे चंडी माता पर दे चोली इम कहंदा रवांगा दीन वाली तुयो मामे लेंदा रवांगा दीन वाली तुयो मामे लेंदा रवांगा कोई जे दे दे मैनू चरना दिखा कुमा इन्ना देवे माता चिन्नी मेरी औकात मां सारी दुनिया नू मां मैं सारी दुनिया नू मां मैं ए गल कहंदा रवांगा देण वाले तुयो मां मैं लेंदा रवांगा देण वाले तुयो मां मैं लेंदा रवांगा बड़े दुख दिखे माता गरीबियां हंडालियां तेरे नाम दियां जोतां दिल च जगालियां लेंदा रवांगा। आखिरी बात ये जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा सुख दो जा दुख दो दाता हंस के सहूंगा हंस के सहूंगा। धन्यवाद रवि जी आपका कीमती समय हमें देने के लिए। उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही प्यारे प्यारे भजन गाते रहे और जनता आपको ऐसे ही प्यार देती रहे। तो ये थे हमारे साथ कुमार रवि जी, फिर से मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ, तब तक देखते रहे रियासी अपडेट्स। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।